हम बात कर रहे हैं उत्प्रेषण रेट। पहले हमने प्रतिषेध रेट, परमादेश रेट, बंदी प्रत्यक्षकरण रेट की बात करी, अधिकार प्रच्छय की बात करी, और आज हम बात कर रहे हैं उत्प्रेषण रेट। उत्प्रेषण रेट से आशय क्या है, क्यों जारी की जाती है, कब जारी की जाती है, किन आधारों पर जारी की जाती है, आइए आज उस पर बात करते हैं। उत्प्रेषण रेट प्रवर न्यायालय का अवर न्यायालय को जारी किया गया ऐसा आदेश है जो निम्न दशाओं में जारी किया जाएगा, जो कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट वन है, जब निम्न न्यायालय ने, अधीनस्थ न्यायालय ने या अवर न्यायालय ने अधिकारिता की कमी में। दूसरा पॉइंट बनता है नैसर्गिक न्याय के विरोध में। तीसरा पॉइंट आधार बनता है इसमें कि जो अभिलेख उसने उससे मंगवाए निम्न न्यायालय से उनके पुनरीक्षण के लिए, उसमें कोई कमी हो। चौथा पॉइंट इसमें जो हम बता रहे हैं, फोर्थ वन, की प्रक्रिया संबंधी कोई दोष हो, और या फिर पांचवा पॉइंट हम उसे बता रहे हैं कि कार्यवाही में प्रथम दृष्टया विधि संबंधी दोष हो। अर्थात जब निम्न न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई निर्णय पास किया जाए जिसमें इस प्रकार का कोई भी दोष पाया जाए, तो वहाँ पर प्रवर न्यायालय ऐसे आदेश को रद्द करेगा और उत्प्रेषण रेट उस समय जारी की जाएगी। यद्यपि यह रेट वैवेकिक है, अर्थात विवेक के अनुसार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का विवेक, तथ्य और परिस्थिति के अनुसार यदि उन्हें आभास होता है कि इस प्रकार की कोई कमी रह गई है जिसे, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय या अवर न्यायालय का निर्णय रद्द किया जाना आवश्यक है, तो वो इस प्रकार का आदेश जारी करेगा। सामान्यतः उत्प्रेषण रेट जो है शुद्धिकरण के रेट है, शुद्धिकरण करना, अर्थात जो न्यायिक कार्यवाही की गई है, न्यायिक प्रक्रियाओं का संपादन जो किया गया है, जो निचले न्यायालयों ने किया है, अब उनमें मान लीजिए कोई दोष रह गया, कोई त्रुटि रह गई, कोई अनियमितता रह गई, कोई विधि संबंधी अस्पष्टता रह गई, तो वहाँ पर इन सभी के अभिलेख पुनरीक्षण के लिए प्रवर न्यायालय को मंगवाने का अधिकार होगा। अब देखिए, हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं कि अभिलेख न्यायालय। अब अभिलेख न्यायालय होता क्या है? ऐसे न्यायालय जिसकी समस्त कार्यवाही को लिखित रूप में संजो कर रखा जाता है, जिसके रिटर्न रिकॉर्ड्स हमेशा मेंशन किए जाते हैं, तो वो अभिलेख न्यायालय के नाम से जाना जाता है। और रही बात अधिकारिता की, तो ज्यूरिसडिक्शन और क्षेत्राधिकार हमारे यहाँ भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहले उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद में राज्यों के अंतर्गत हाईकोर्ट यानी HSC उच्च न्यायालय, और फिर समस्त जिला में जिला अदालतें और उनके नीचे कई छोटी अदालतें काम कर रही है। लेकिन इन सभी को अपने ऊपर की अदालत से, अपने ऊपर के न्यायालय से अपने कार्य के लिए पुनरीक्षण यदि आवश्यक है तो करवाना होगा। यदि उस पुनरीक्षण में या ऐसा आभास हो जाता है कि किसी प्रकार की कोई अधिकारिता की कमी रह गई, या देखिए अधिकारिता जो है, क्षेत्राधिकार जो है, इन्हें संविधान के द्वारा प्रदत्त किया गया, जब हमारा संविधान पास किया गया था, तो इन सभी जुडिशियरी को, इन सभी न्यायालयों को अपनी अपनी एक सीमा, अपना एक दायरा, अपनी एक लक्ष्मण रेखा दी गई कि आप अपने इस लिमिटेशन में, अपने इस अधिकारिता में, अपने इस क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के काम नहीं करोगे, साथ ही अपना जितना अधिकार है, अपना जितना क्षेत्राधिकार है, उससे कम भी काम नहीं करोगे। अटेंशन करिएगा, न तो अधिकारिता के अधिक्य में काम करना है, न अधिकारिता से कम काम करना है, न अधिकारिता का दुरुपयोग करना है, न विधि संबंधी कोई दोष रखना है। जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो हमारी न्यायिक कार्यवाहियों के संचालन में एक रीति नीति प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रियाओं का वहन किया जाता है, और संपूर्ण कार्यवाहियों को एक पूरा विधिवत संचालित किया जाता है, और फिर फाइनली डिसीजन दिया जाता है, तो मान लीजिए इन सभी में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह जाती है, तो अपेक्षित होगा कि जो प्रवर न्यायालय, जो उस अधीनस्थ न्यायालय से ऊपर का न्यायालय है, वो उस आदेश को अपास्त करेगा, रद्द करेगा। अब देखिए, प्रतिषेध में भी हमने इसी ही बात करी है, प्रतिषेध रिट में भी कि कुछ सिमिलर से आधार वहाँ पर भी नज़र आ रहे थे, और उत्प्रेषण में भी हम कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए, प्रतिषेध रिट में हमने बात की थी कि कार्यवाही लंबन में, यानी लंबन काल में है, अभी फाइनली सॉर्ट आउट नहीं हुई है, उसका अंतिम निर्णय फैसला नहीं दिया। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, आदेश पास हो गया, यानी लंबन काल में कार्यवाही नहीं, फाइनली काम हो चुका है, जो निर्णय है वो दिया जा चुका है, अंतिम फैसला दिया जा चुका है, इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। आइए बात करते हैं कि इसके लिए प्रार्थना पत्र या आवेदन कौन दे सकेगा। दो आधार हैं, पहला जिसके पक्ष में आक्षेपित आदेश पास किया गया, जी हाँ, ऐसा पीड़ित व्यक्ति, ऐसा व्यथित व्यक्ति जिसके पक्ष में किसी अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा आदेश पास कर दिया जिसमें पाँचों में से कोई भी त्रुटि रह गई है, तो वो आवेदन कर सकेगा। दूसरा, कोई भी नागरिक,
अर्थात जब आदेश जन साधारण को प्रभावित करता है तो कोई भी नागरिक इस प्रकार का आवेदन दे सकेगा। समय समय पर कई न्यायिक विनिश्चयों में न्यायाधीश ने अभिव्यक्त किया कि कोई आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति हताहत हुआ है, आहत हुआ है, जो पीड़ित है या व्यथित है, वही आवेदन करे। मान लीजिए कोई ऐसा निर्णय दिया गया जिसे जनसामान्य प्रभावित होता है तो वहाँ पर एक नागरिक भी आवेदन दे सकेगा। निम्न के विरुद्ध जारी की जा सकेगी, यानी किस किस के विरुद्ध से जारी किया जा सके, न्यायिक अधिकारी, न्यायिक कल्प अधिकारी और स्वयं सरकार, तीनों के विरुद्ध इस प्रकार के रिट प्रवर न्यायालय को जारी करने का, सुपीरियर जुडिशरी को जारी करने का हक होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें शर्तें, किन शर्तों पर इसे लागू किया जाएगा। न्यायाधिकरण को विधिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए, अर्थात जिस न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया है उसे विधिक अधिकार प्राप्त है ऐसा निर्णय देने का, और ऐसा अधिकार नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट शर्त है कि वो जो न्यायाधिकरण है वो न्यायिक तौर पर कार्य करने के लिए बाध्य है। फोर्थ कंडीशन इसमें आती है, रिट निम्न और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रद्द करने हेतु तो जारी की जाएगी। और फिफ्थ कंडीशन से कि निम्न न्यायालय प्रवर न्यायालय की अधिकारिता में हो। जी हाँ, ये जो शर्तें पे हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ये अपेक्षित होगा कि जो न्यायाधिकरण, जो ट्रिब्यूनल, जो जुडिशरी ऐसा निर्णय दे रही है उसके पास में ऐसा लीगल राइट हो कि वो आदेश पास कर सके, उसके पास ऐसी अधिकारिता हो और वह उस प्रवर न्यायालय की अधिकारिता में काम कर रहा हो और उसे ऐसा आदेश पास करने का हक हो, तो ही ये रिट जारी की जाएगी उसके आदेश को रद्द करने के लिए। एंड लास्ट में जो हम बात कर रहे हैं रिट जारी करने के आधार, किन आधारों पर इस रिट को जारी किया जाएगा। पहला है अधिकारिता की कमी, जिसमें अपेक्षित है अधिकारिता का आधिक्य। यानी मान लीजिए CJM का जो न्यायालय है उन्हें 10 साल की सजा देने का अधिकार है लेकिन वे 15 साल की सजा दे दें, यानी आधिक्य, सजा देने का अधिकार कितना है, क्षेत्राधिकार कितना है, सिर्फ 10 साल की सजा किसी भी अपराधी को, लेकिन यहाँ कितनी सजा का आरोपण कर दिया, 15 साल। तो यहाँ पर उत्प्रेषण रिट के माध्यम से CJM कोर्ट के ऐसे आदेश को अपास्त किया जा सकेगा, रद्द किया जा सकेगा। नेक्स्ट बनता है अधिकारिता का दुरुपयोग। अब ये कैसे होता है, कभी कभी जो जुडिशरी के जो ऑफिसर्स होते हैं वे बायस हो जाते हैं और अपने अधिकारों का दुरुपयोग, अपनी शक्ति का, बोलते हैं ना अधिक शक्ति जब मिल जाती है तो व्यक्ति निरंकुश हो जाता है, उस पर कोई अंकुश नहीं रहता है। तो यदि वैसा निर्णय यदि पास कर दिया है तो वहाँ पर उसे दुरुपयोग कहा जाएगा। और अधिकारिता का अभाव, यानी दुर्भावना से, अनुचित उद्देश्य से, उसे अधिकारिता ही नहीं है कि वो ऐसे दावे को सुने, यानी दावों का भी मूल्यांकन किया गया है, उनकी भी सीमा तय की गई है कि कितने हजार तक के दावे कौन सा न्यायालय सुन सकेगा। अब जो सबसे निचला न्यायालय 25,000 तक के दावे सुन सकता है, दीवानी न्यायालय की अगर हम बात करें, मान लीजिए उसने उससे ज़्यादा के दावे को सुन लिया और निर्णय भी दे दिया है तो वहाँ पर भी उच्च जो प्रवर न्यायालय, जो उससे ऊपर का न्यायालय, उसके अभिलेख को मंगवाएगा, रिकॉर्ड को चेक करेगा और वहाँ पुनरीक्षण के द्वारा उसके जो कमी है आधिक्य की उसे सुधारा जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट बनता है, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन या विरोध। नैसर्गिक न्याय, प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, हमारी पूरी बायलॉज, पूरा रूल्स ऑफ रेगुलेशंस, हमारे यहाँ के विधिक नियम अधिनियम सभी कुछ नैसर्गिक न्याय से ओतप्रोत है और हमारा आधार ही विधि का सर्वप्रथम यहीं से लिया गया है कि दूसरे पक्ष को सुनो। कोई व्यक्ति अपने पक्ष में न्यायाधीश, स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता और दूसरे पक्ष को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए, प्लस जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसे बचाव करने का पूरा मौका दिया जाए, उसे क्रॉस करने का मौका दिया जाए, प्रतिपक्ष का मौका दिया जाए और उसे कुल मिलाकर के यह बताया जाए कि किस वजह से, किस कारण से उस पर दंड का आरोपण किया जा रहा है। तो मान लीजिए इसका उल्लंघन किया गया तो वहाँ पर भी प्रवर न्यायालय को उत्प्रेषण रिट का जारी करने का आधार होगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसमें कपट, दुर्भिसंधि, दुर्भावना से निर्णय देना, बायस होकर के निर्णय देना, अपने काम में किसी प्रकार की उपेक्षा करना, लापरवाही करना, इस तरह के निर्णय जब आते हैं तो उसे कपट के द्वारा आदेश कहा जाएगा और जिसे भी रद्द किया जा सकेगा। फोर्थ कंडीशन से ऐसी त्रुटि या दोष जो अभिलेख के आमुख से ही प्रकट हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुरू से कि हमारे यहाँ के समस्त न्यायालय, भारतवर्ष के अभिलेख न्यायालय, यानी उनकी समस्त कार्यवाही को, दिन प्रतिदिन किए गए व्यवहारों को लिखित रूप में संजो के रखा जाता है, अभिलेख रूप में या रिकॉर्ड उनके रखे जाते हैं। सो जब ये जो रिकॉर्ड है, जो आदेश पास किया गया है, उसे
देखने से ही प्रथम दृष्टया लगता है कि कोई विधि संबंधी दोष है, कोई प्रक्रिया संबंधी दोष है जो नहीं रहना चाहिए, कोई अनियमितता रह गई है या किसी प्रकार की विधि के प्रावधानों की अवहेलना की गई है, उपेक्षा की गई है या उल्लंघन किया गया है, तो उन सभी दशाओं में भी उत्प्रेक्षण रिट को जारी किया जा सकेगा। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।